हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की गेम्स के बाद आज पहली बार मिल रहे हैं। होपफुली आपका वो टूर्नामेंट काफ़ी बढ़िया गया होगा। बात करें दोस्तों इस गेम की, तो बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड फर्स्ट ODI चल रहा है ये, और ये होने वाली है एक धमाकेदार सीरीज। इंग्लैंड का टीम ऐसा है, आप देख सकते हो कि एक टीम कल ही खेल के आ रही है एक टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के सामने, जहां पर लास्ट बॉल पर हार रहे हैं, एंड इनकी पैरेलल एक टीम है जो ODI सीरीज खेलने वाली है बांग्लादेश में। ये पावर है इंग्लैंड क्रिकेट का, और इन्होंने कैसे अपने स्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़िया बनाया है। इस गेम की बात करें तो इंग्लैंड रेनिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं, बट ये दो सीरीज लगातार हार कर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने 3-0 हारे थे, साउथ अफ्रीका के सामने 2-1 हारे थे, और इनका मुकाबला है बांग्लादेश के सामने, जो अभी हाल ही में इंडिया को 2-1 हरा कर आ रहे हैं अपने घर पर। बांग्लादेश की बात करें तो इस वेन्यू पर भी इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा है। पिछले 5 में से 4 गेम जीते हैं यहाँ पर, और वो 2 विन आए थे इंडिया के सामने। बात करते हैं दोस्तों स्क्वाड्स की, तो ये आपके सामने है दोनों टीम्स के स्क्वाड्स, और यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से आप देख सकते हो कि इस टूर्नामेंट में शाकिब अल हसन रहेंगे फिर से, तमीम इकबाल, लेटन डार्स भी अवेलेबल रहेंगे। इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखोगे तो जॉश बटलर रहेंगे ऊपर, एंड इनके साथ होंगे जोफ्रा आर्चर, सैम करन, क्रिस वोक्स, मार्क वुड एंड सो ऑन। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करते हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल एंड नितिन दास शुड ओपन, शांतो एट 3, शाकिब एट 4, मुशफिकुर एट 5, जिनका रिकॉर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड बहुत ही स्टैंड आउट है। आगे चल के बात करेंगे इनके बारे में। महमदुल्ला जो कि पार्ट टाइम बोलिंग भी करेंगे, अफीफ हुसैन है, मेहदी हसन, तास्किन अहमद, इबादत हुसैन एंड मुस्तफिजुर रहमान, हमारे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड 11 होना चाहिए फॉर बांग्लादेश। इंग्लैंड की बात करें तो रॉय एंड सॉल्ट शुड ओपन, मलान एट 3, विंस एट 4, विंस बहुत ही बढ़िया प्लेयर ऑफ स्पिन है। जॉश बटलर आएंगे नंबर 5 पर, विल जैक्स हमारे हिसाब से इस गेम में स्टार्ट करने चाहिए, नंबर 6 पर खेलेंगे ये, मोइन अली एट नंबर 7, सैम करन एट 8, जोफ्रा आर्चर एट 9, आदिल रशीद एट 10 एंड मार्क वुड नंबर 11 पर। दोनों टीम्स की अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक 21 गेम्स खेली हैं, जिसमें से बांग्लादेश 4 बार जीती है और इंग्लैंड जीती है 17 टाइम्स। इस वेन्यू की बात करें तो शेरे बांगला नेशनल स्टेडियम ढाका में ये होने वाला है गेम, और लास्ट 10 गेम यहाँ पर जो हुए हैं वहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट 5 बार जीती है और टीम बैटिंग सेकंड 5 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर खैर 224 का ही है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो मामला एकदम बराबरी का है, इतना ज्यादा कोई आउटराइट एडवांटेज नहीं है, बट जैसे सब कॉन्टिनेंट विकेट्स होती है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट पेस को थोड़ा सा कम एडवांटेज मिलता है वर्सेस स्पिन, एंड इस गेम में शायद वो देखने को मिले। बात करते हैं दोस्तों प्लेयर्स के रिकॉर्ड की इस वेन्यू पर। बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल 82 इनिंग्स, क्लोज टू 2800 रन, 34.94 का एवरेज, और जिसमें 5 शतक और 19 अर्धशतक यहां पर हैं इस वेन्यू पर। मुशफिकुर रहमान की बात करें तो 88 इनिंग्स खेल चुके हैं, 2646 रन हैं इनके, 36 के आसपास का एवरेज, जिसमें 3 शतक और 15 अर्धशतक हैं। शाकिब अल हसन 83 इनिंग्स में 37.54 की एवरेज से क्लोज टू 2600 रन बना चुके हैं, 2 शतक हैं और 2150 हैं इनकी। महमदुल्ला की बात करें तो ये 70 इनिंग्स में 1864 रन स्कोर कर चुके हैं, 35.85 का एवरेज, जिसमें 15 बार ये अर्धशतक बना चुके हैं, एक भी सेंचुरी इनके नाम नहीं आई है। लिटन दास का रिकॉर्ड देखोगे यहाँ पर तो थोड़ी चिंता तो ज़रूर होगी, 17 इनिंग्स में केवल 281 रन हैं, एवरेज 17 के नीचे का है, एक भी 50 नहीं है, एक भी 100 नहीं है। मेहदी हसन की बात करें तो 7 इनिंग्स में 154 रन हैं, जिसमें 1 शतक भी शामिल है, वो शतक तो पता है ना किसके सामने आया था, इंडिया को जो मैच हराई थी उसमें ये शतक आई थी, एंड मेहदी हसन का फॉर्म बहुत ही बढ़िया था उस सीरीज में। आफिफ हुसैन की बात करें तो 59 रन हैं इनके 5 इनिंग्स में, और शांतो के 39 रन हैं 4 इनिंग्स में। बांग्लादेश के बॉलर्स की बात करें तो शकीब अल हसन यहाँ पर 129 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट 35.2 का, मुस्तफिजुर का 23.1 का स्ट्राइक रेट है, 23 इनिंग्स में 48 विकेट्स। महमदुल्ला भी 59 इनिंग्स में 31 विकेट ले चुके हैं, तास्किन अहमद के 15 इनिंग में 26 विकेट हैं, और मेहदी हसन के 11 इनिंग में 21 विकेट हैं। यहाँ पर बात करें इबादत हुसैन की तो 2 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं यहाँ पर, जबकि हसन महमूद 3 इनिंग में 4 विकेट यहाँ पर चटका चुके हैं। इंग्लैंड के बैटर्स की बात करें तो बटलर 2 इनिंग में 120 रन मार चुके हैं यहाँ पर, एवरेज 60 का, जेसन रॉय 54 रन हैं 2 इनिंग में, आदिल रशीद की एकमात्र इनिंग यहाँ पर होती जहाँ पर 33 रन इनके आए थे, क्रिस वोक्स के 23 रन हैं 2 इनिंग्स में, विंस के 21 रन इन 2 इनिंग्स, एंड मोइन अली भी यहाँ पर कुछ खास चले नहीं है बैटिंग करते हुए, केवल 10 रन हैं 2 इनिंग में। इनके बॉलर्स की बात करें तो आदिल रशीद 2 इनिंग में 6 विकेट ले चुके हैं, क्रिस वोक्स 2 इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं, जबकि मोइन अली यहाँ पर 19 ओवर डाल चुके हैं अब तक, पर एक भी विकेट इनके हाथ नहीं लगा है। चलते हैं दोस्तों अब टॉप पिक्स फ्रॉम बांग्लादेश की तरफ। नंबर 1 पर आते हैं शाकिब अल हसन, ऑलराउंडर हैं, सामने इंग्लैंड की राइट हैंड लोडेड बैटिंग लाइनअप। इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 87 इनिंग्स में 129 विकेट्स हैं, बैटिंग करते हुए 83 इनिंग्स में 2600 के आसपास रन हैं, स्ट्राइक रेट है इनका 84.6, एवरेज 37.54, और हाल ही में हुए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी 11 इनिंग में 375 रन मारकर आ रहे हैं,
41.67 का बैटिंग एवरेज। सेकंड टॉपिक है मेहदी हसन मिराज, जो कि इंडिया को हराने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। फॉर्म उमदा चल रहा है इनका ओडीआईज में। जो लास्ट ओडीआई सीरीज हुई थी इंडिया के सामने, वहां पर एक सेंचुरी थी, 4 विकेट्स थे, और ये विकेट पे स्पिन को असिस्टेंस मिलेगा, ये बैटिंग भी कर सकते हैं। इनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड इस साल का काफी नॉर्मल रहा है, बट ओवरऑल इनका रिकॉर्ड एट द वेन्यू काफी बढ़िया है लिस्ट ए में। 26 इनिंग में इन्होंने 41 विकेट्स पिक करे हैं। मुशफिकुर रहीम हमारे थर्ड टॉपिक है बांग्लादेश से। इनका रिकॉर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड कुछ लाजवाब सा है। 12 इनिंग में इन्होंने बनाए हैं 485 रन्स, एवरेज 44 का। इस वेन्यू पर भी सबसे ज्यादा मैचेस यहां पर खेले हैं। बीपीएल जो हुआ था वहां पर 15 इनिंग्स में 350 के ऊपर रन्स, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी देंगे, और मुशफिकुर रहीम एक बहुत बढ़िया पिक हो सकते हैं आपकी फैंटेसी टीम में। बट एक प्रॉब्लम आएगी जब टीम बनाओ, या तो फोर्थ ऑलराउंडर ले पाओगे मेहदी हसन मिराज को, या आप सेकंड कीपर ले जाओगे मुशफिकुर रहीम को, उन प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको तीन बैटर्स लेने हैं, जहां आपको मल्टीपल बैटर्स ना लेने पड़े, एक बैटर से काम चल जाता है, वहां पर आप दोनों को पिक जरूर कर सकते हो। बट यहां पर आप फंसोगे, एंड हेंस बैटिंग फर्स्ट मुशफिकुर रहीम को जरूर बैक करना, बॉलिंग फर्स्ट मेहदी हसन मिराज को आप बैक कर सकते हो। चलते दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान की तरफ। फिज के नाम से इनको जाना जाता है। वेन्यू रिकॉर्ड इनका काफी बढ़िया है, 23 इनिंग्स में 48 विकेट्स, एंड यदि बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, फिज का आपकी टीम में होना तय है। चलते दोस्तों टॉप पिक्स फ्रॉम इंग्लैंड की तरफ, और यहां पर नंबर वन पर आते हैं मोइन अली। बांग्लादेश की लाइनअप में आप देखोगे कई सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, इसका ये मतलब है कि इनको बॉलिंग करते हुए काफी ओवर्स मिलेंगी, बैटिंग भी इनकी अच्छी खासी होनी चाहिए, और ये गेम टाइट होगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी है इनके पास, एंड हेंस इज अ वेरी गुड पिक। सैम करन, जिनको उनके कप्तान बटलर बैक कर रहे हैं, अब डेथ में भी अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करेंगे और आपकी फैंटेसी टीम में जरूर नजर आने चाहिए। जॉर्ज बटलर की बात करें तो इनका अगर आप इस वेन्यू का रिकॉर्ड देखोगे तो 2 इनिंग्स खेले हैं, दोनों में अधिकशतक आई है, 63 और 57 वाली पारी खेली है, एवरेज है इनका 60 का, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स आएंगे, नो ब्रेनर पिक है आपकी फैंटेसी टीम में भी। इनफैक्ट एक टॉप कैप्टनसी ऑप्शन में भी आप इनको कंसीडर कर सकते हो। ओनली डिसएडवांटेज है कि नंबर 5 पर इनकी बैटिंग आएगी। डेविड मलान की बात करें तो ये फोर्थ टॉप पिक है, हाल ही में साउथ अफ्रीका के सामने आखिरी गेम में सेंचुरी मारकर आ रहे हैं। लास्ट 6 इनिंग्स देखो आप इनकी ओडीआई में तो 200 है, 150 है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी इनके साथ है, फॉर्म तो साथ में है ही, पर स्पिन भी काफी बढ़िया खेलते हैं, एंड हेंस हमारी तरफ से एक मस्ट हैव पिक है फॉर दिस गेम। चलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल पिक की तरफ। यहां पर हम रेकमेंड करेंगे विल जैक्स को। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विल जैक्स ये गेम स्टार्ट भी करेंगे, एंड बांग्लादेश की लाइनअप में जो लेफ्टीज हैं उनके सामने विल जैक्स को ओवर्स भी मिल सकती हैं। सेकेंड डिफरेंशियल पिक है जेम्स विंस, जो कि अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के, पीएसएल में काफी बढ़िया टच में लगे थे और आपकी टीम में एक अच्छा खासा धमाका मचा सकते हैं। चलते हैं अब सेफ कैप्टनशिप की तरफ। यहां पर 3 प्लेयर्स को रेकमेंड करेंगे, शाकिब अल हसन, बिकॉज हमने देखा है बॉलिंग बैटिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड काफी तोड़ू है, और बांग्लादेश जब भी अच्छा खेला है वहां पर शाकिब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सैम करन सेकंड सेफ कैप्टनशिप पिक है, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूशन देंगे, बॉलिंग फर्स्ट डेथ में भी बॉलिंग इनकी आनी चाहिए। जॉश बटलर, कैप्टन बटलर, विकेट कीपर बटलर, इनको क्या कहें, इनका पॉसिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट अक्रॉस इनिंग्स काफी हाई है, एंड हेंस हम इनको एक सेफ कैप्टनशिप पिक मानते हैं। चलते हैं डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की तरफ, और यहां पर 2 प्लेयर्स को रेकमेंड करेंगे, दोनों ऑफ स्पिनर हैं मोइन अली एंड मेहदी हसन मिराज, दोनों अपने दिन पर बड़े गेम चेंजर्स हो सकते हैं। मोइन अली का रिकॉर्ड इस वेन्यू का इतना बढ़िया नहीं है, 2 मैचेस में 19 ओवर पर 0 विकेट, पर इसीलिए डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक है बिकॉज सारे लोग इनकी तरफ नहीं जाएंगे। मेहदी हसन मिराज इंडिया वाली सीरीज में जो ओडीआई सीरीज हुई थी वहां पर हीरो थे, सेंचुरी मारी थी, 4 विकेट छटकाए थे, और इस गेम में हम इनको बैक कर रहे हैं कि वो ओडीआई वाला फॉर्म इनका कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो दोस्तों बात करते हैं बेस टीम की फॉर बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे जॉश बटलर, बैटिंग में होंगे डेविड मलान, जेम्स विंस, ऑलराउंडर्स में हैं मोइन अली, सैम करन, शाकिब अल हसन, और बॉलिंग सेक्शन में हमने पिक किया है जोफ्रा आर्चर को और मुस्तफिजुर रहमान को। बात करेंगे दोस्तों अब क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स दैट यू कैन पिक। अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करती है तो वहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में मुशफिकुर रहीम इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बैटिंग सेक्शन में अगर आपको चाहिए तो महमूदुल्ला भी बहुत तगड़े ऑप्शन है, और यदि इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो विल जैक्स पे भी आप पंट ले सकते हो। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखो तो मेहदी हसन मिराज कैन बिकम योर फोर्थ ऑलराउंडर अगर बांग्लादेश की बॉलिंग फर्स्ट आ रही है। ये सारे कंस्ट्रेंट्स दोस्तों उन प्लेटफॉर्म्स के लिए जहां पर आपको एटलीस्ट 3 बैटर्स तो पिक करने हैं। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहां पर आपको 2 बैट्समैन से ही काम चल जाएगा, इस केस में आप मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन मिराज दोनों को पिक कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो आदिल रशीद एक और तगड़ा ऑप्शन है जो आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर पिक कर सकते हो। और बांग्लादेश से अगर एक बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो वी वुड रेकमेंड कि आप तास्किन अहमद की तरफ थोड़ा सा देख सकते हो, एंड ही कैन बी अ गुड फैंटेसी पिक फॉर योर टीम्स। तो दोस्तों ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर बांग्लादेश वर्सेज इंग्लैंड। बाकी गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज भी बन रहे हैं, होपफुली आपने देख लिया होगा इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच का भी प्रीव्यू, और पीएसएल का प्रीव्यू भी आपके लिए आ रहा है।
जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।